अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति, मैं ये नहीं चाहता कि सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे माफ कर दो या मुझे अपना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, पर बस अपने आप को किसी तरह से तकलीफ मत देना। क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अपना दर्द तो किसी तरह सह रहा हूं, पर तुम्हें दर्द में नहीं दिख सकता। मैं आता हूं। जी शिव भैया। भैया मैंने शक्ति को लेटर दे दिया, वो पढ़ी रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करो भैया, मैं उनका जवाब लेकर ही आऊंगा। क्या जवाब है तुम्हारे शक्ति, क्या जवाब होगा? नंदू देख बेटा, अभी सूरज उगने वाला है और हमारी आंखों की बत्ती बंद होने वाली है। और लगभग पूरी रात ही हो गई इधर बैठे बैठे। इतनी कितनी बड़ी चिट्ठी लिखी है तेरे शिव भैया ने, क्या सत्तूड़ी पड़े ही जा रही है। वैसे खबर न हो तो कह दू, ये कबूतर का काम ना सिर्फ चिट्ठी पहुंचाना होता है, बाकी दोनों अंदर अंदर समझ लेंगे। वो सत्तूड़ी फोन कर लेगी उसको, कबूतर उड़ के जा सकता है अभी। भुर्र। नहीं चाची जी, मैंने भैया को प्रॉमिस किया है कि मैं शक्ति का जवाब सुन के जाऊंगा। जवाब? कैसा जवाब? नंदू भैया, हम जानते हैं कि आप हमारा ही वेट कर रहे हैं। चाची जी, चाचा जी, क्या हम इस वक्त डॉक्टर शिव से मिलने जा सकते हैं? हमें उन्हें लेटर का जवाब देना है। लेकिन बेटा, इस समय? चाचा जी, हमारा जाना जरूरी है। जा बेटा, जा। सुबह हो गई है, ये नंदू अभी तक नहीं आए। ए सुपर हीरो, हमारी उम्र में नींद ना आने के कितने सारे कारण होते हैं, पर तुम्हारी उम्र में नींद ना आने का सिर्फ एक ही कारण होता है। बगुमा, आप बाहर क्यों आई हो? क्योंकि तेरी धड़कन की आवाज अंदर तक आ रही थी, अलार्म क्लॉक की तरह धक 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 धक। तो कैसे आराम करते हैं? क्या बात है, क्यों इतना बेचैन है? भगुमा, वो शक्ति का जवाब नहीं आया अभी तक। नंदू कल रात से गया, अभी सुबह हो गई, अभी तक नहीं आया, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा। शिव भैया, आपका खत लेकर गया था और जवाब साथ लेकर आया हूं।
इसका जवाब क्या होगा? मैंने कीर्तन को नंदू के पीछे भेजा था उसे रोकने के लिए, पर मेरे बच्चे नालायक, किसी काम के नहीं। अगर ये लोग अपना काम ठीक से करते तो आज ये यहाँ नहीं होती। कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? ये क्या है शक्ति? हमारा जवाब। एक हाथ चूज कीजिए। शक्ति, ये कोई गेम खेलने का वक्त नहीं है। गेम्स तो किस्मत हमारे साथ खेल रही है डॉक्टर शिव, और आपको इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अब ये क्या है? जब हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत होती है तो जाके गुड़ चना बांटा जाता है। इसका मतलब आपका जवाब हाँ है? और अगर मैं दूसरा हाथ चुनता तो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।